जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नोटिस द डेट में। नोटिस द डेट की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है अरास्तु को। दूसरा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है थियोफ्रेस्टस को। तीसरा, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेटस को। चौथा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में। पांचवा, कोशिका की खोज किसने की है और कब हुई है? आंसर है रॉबर्ट हुक, वर्ष 1965। छठवा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर है स्लाइडन तथा स्वान। सातवां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आंसर है तंत्रिका कोशिका। आठवां, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर त्वचा। नौवां, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम को। दसवां, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? आंसर है वाल्डेयर ने 1888 में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण करना। बारवा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। तेरवा, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को। चौदवा, केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। पंद्रवा, डीएनए का डबल हेलोक्सी मॉडल किसने बनाया था? आंसर है वॉटसन व क्रिक ने 1953 में। सोलवा, क्रोमोजोम या गुणसूत्र किसका बना होता है? आंसर है डीएनए या प्रोटीन का। सत्रवा, मानव शरीर में कितने क्रोमोजोम या गुणसूत्र होते हैं? आंसर है 46 गुणसूत्र। अठारवा, मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आंसर है एपिडर्मिस। 19वां, उत्तकों या टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हिस्टोलॉजी। 20वां, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है होमो सेपियंस। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।